नाट्य देवता एवं रसिक प्रेक्षकों को निर्णायक गण और तमाम दर्शकों को सादर प्रणाम। एलोरा मुंबई 2 प्रस्तुत करते हैं एकांकी बवाल है पर कमाल है। लेखक प्रिंस ग्रोवर, दिग्दर्शक भाग्यश्री टिल्लू, नेपथ्य विजयालक्ष्मी लोंढे, संगीत एवं प्रकाश योजना सुधीर पालकर, वेशभूषा शारदा हरळकर, कलाकार राधा भाग्यश्री टिल्लू, इंस्पेक्टर केदार कुणाल, रमा शारदा हरळकर, ज्योति उल्का सावंत, हीरालाल सुधीर पालकर, विक्रम विपिन चंद्र, जज विजया पाटिल, एडवोकेट माथुर, नेहा गोयल, एडवोकेट रीना, विजया लक्ष्मी लोंढे और बाबा बवाल के स्पेशल किरदार में है राणा रणधीर कुमार। तो एलोरा मुंबई 2 प्रस्तुत करते हैं एकांकी बवाल है पर कमाल है।
नाट्य देवता और रसिक प्रेक्षकों को और तमाम दर्शकों को सादर प्रणाम करके एलोरा मुंबई 2 प्रस्तुत करते हैं एकांकी बवाल है पर कमाल है, लेखक प्रिंस ग्रोवर, दिग्दर्शक भाग्यश्री टिल्लू, नेपथ्य विजयालक्ष्मी लोंढे, संगीत एवं प्रकाश योजना सुधीर पालकर, वेशभूषा शारदा हरळकर, कलाकार राधा भाग्यश्री टिल्लू, इंस्पेक्टर केदार कुणाल, रमा शारदा हरळकर, ज्योति उल्का सावंत, हीरालाल सुधीर पालकर, विक्रम विपिन चंद्र, जज विजया पाटिल, एडवोकेट माथुर नेहा गोयल, एडवोकेट रीना विजया लक्ष्मी लोंढे और बाबा बवाल की भूमिका में राणा रणधीर कुमार। एलोरा मुंबई 2 प्रस्तुत करते हैं एकांकी बवाल है पर कमाल है।
मुझे नहीं करनी है साथ शादी। बाबा जी के विचारों को छोड़कर मैं नहीं जी सकती माँ। माँ, मुझे दीदी के विचार सही लगते हैं, इसलिए मैं और दीदी अब आश्रम में ही रहेंगे, तुम्हारी ज्योति और रमा। बाबा जी के विचारों को छोड़कर नहीं जी सकती। उस बाबा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई हूँ। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, आप चिंता मत करना, उस बाबा का पता मेरे पास है, वो दोनों जरूर वही मिलेगी। आप आओ मेरे साथ। करके कानून के हवाले करेंगे। कौन से कानून की बात करें? एक एक केस सॉल्व होने में 15-15-20 साल लगते हैं और लोग न्याय के लिए तड़पते हैं। अरे ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते होंगे। नहीं मानते होंगे, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम लड़ेंगे, कानूनी तौर पे लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने बच्चों को भटकने नहीं देंगे। केदार, मेरे साथ साथ हीरा दादा की भी शिकायत दर्ज कर लेना और लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस फरेबी को गिरफ्तार कर लो। You are under arrest.
आज का दिन बहुत अहम दिन है, फैसले की घड़ी आ चुकी है। जनता जानना चाहती है कि क्या होगा उस फकीर का, न जाने कहां से आया है और न जाने क्या चाहता है। जनता ने उस फकीर के खिलाफ एक केस दर्ज किया है, तो वही ह्यूमन राइट वालों ने उस फकीर के पक्ष में एक वकील खड़ा कर दिया है। तो हम देखते हैं कि अदालत क्या फैसला लेगी उस फकीर के बारे में, जिसका नाम है बवाल। सीधे प्रसारण के लिए ले चलते हैं आपको अदालत के अंदर। ईश्वर की शपथ लेके कहिए कि आप जो कहेंगे वो सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो हीरालाल जी, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने केस किया है उसने आपको किस तरीके से पीड़ित किया है, अब आप इस अदालत को बताइए। एडवोकेट माथुर, आप उस व्यक्ति का नाम लेकर संबोधित करें। माय लॉर्ड, उस व्यक्ति का कोई नाम है ही नहीं, सब उसे एक बवाल समझते हैं, इसीलिए ये केस भी बवाल के अगेंस्ट ही फाइल किया गया है। तो हीरालाल जी बताइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? जज साहब, ये बवाल गजब का इंसान है, मरा टाकला खटिया, मेरा अकेला लड़का नौकरी करके मेरा सहारा बनेगा, लेकिन नहीं, इस बवाल की चक्कर में बोलते इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करनी, इसके ऊपर इस बवाल ने कुछ जादू किया है, हमें बूढ़े को बर्बाद कर दिया। ये बवाल को एक तो जेल में डालो या पागल खाने में। लेकिन वो बवाल नाम के आदमी ने किया क्या है? बवाल, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो कुछ तंत्र विद्या जानता है। उसने मेरे बेटे को वश में करने रखा है। क्या कोई सबूत है आपके पास? सबूत? अरे अरे, मेरा बेटा ही बोलता है बवाल की बातों में जादू है, मुझे बवाल जैसा बनना है, पढ़ाई नहीं करनी। अब सही तो उसे ही पूछ लो। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हीरालाल खुद ही कह रहा है कि उसका बेटा पढ़ाई नहीं करना चाहता है। ओके, प्रोसीड। माय लॉर्ड, इसमें उस बेचारे फकीर का कोई दोष नहीं है, ये लोग तो उसे फांसी तक देने की सोच रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि मिस्टर चंद्रकांत राठौड़ ने मुझे ये केस सौंपा है। अब ये चंद्रकांत राठौड़ कौन है? माय लॉर्ड, भिवंडी में एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है।
और मिस्टर चंद्रकांत राठौर उसी के ब्रांच मैनेजर है। उन्होंने जब देखा कि हीरालाल और मिस्टर केदार उस बवाल को तंग कर रहे हैं, तो उन्होंने जाकर उस बवाल से बात की और पाया कि वो कोई बवाल नहीं है बल्कि ज्ञानी पुरुष है और सच कहता है। माय लॉर्ड, सच कड़वा होता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए जब इन लोगों ने उसके ऊपर ये केस दर्ज किया तो मैंने भी ये केस लड़ने का फैसला किया ताकि किसी निर्दोष को सजा ना हो। माय लॉर्ड, मैं गवाह के रूप में मिस्टर हीरालाल के बेटे विक्रम को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत दी जाती है। विक्रम हाजिर हो। मिस्टर विक्रम, आप कटघरे में आ जाइए और ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लीजिए कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। थैंक यू। तो अब आप अदालत को ये बताइए कि क्या आपको उस बवाल बाबा ने डराया धमकाया है उनकी बातों पर अमल करने के लिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इस व्यक्ति के दिमाग को मानसिक रूप से वश में कर लेने के बाद ये व्यक्ति उस बवाल के लिए गुण गाएगा ना? ऑब्जेक्शन ओवर। देखिए, आप पहले उनकी पूछताछ तो पूरी होने दे, जब आपकी बारी आए तब बोले। जी मैडम। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो मिस्टर विक्रम, आप अदालत को बताइए कि क्या आप अपनी मर्जी से ऐसा जीवन जी रहे हैं या फिर आप पर किसी ने ये दबाव डाला हुआ है? जी नहीं, मैं अपनी इच्छा से उस फकीर की बातों पर अमल कर रहा हूँ। ओके, तो अब आप अदालत को ये भी बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्या बताऊं जज साहिबा, एक दिन मैं कॉलेज से घर लौट रहा था तो मेरी मुलाकात एक फकीर से हुई। बातों ही बातों में उस फकीर ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो? मैंने कहा, बाबा मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं और इंजीनियरिंग के बाद कोई अच्छी नौकरी करूंगा और अगर मौका मिला तो मैं विदेश में जाकर नौकरी करूंगा। फिर उस फकीर ने पूछा, बेटा क्या पढ़ाई इसलिए की जाती है कि हमें नौकरी मिल सके? मैंने कहा, बाबा शत प्रतिशत बिल्कुल पढ़ाई इसीलिए की जाती है कि हमें नौकरी मिल सके। यह सुनकर उस फकीर ने कहा, गलत मकसद के लिए पढ़ रही है ये सारी मानवता। अगर ज्ञान प्राप्ति शिक्षा का मकसद नहीं तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। हमें जीने के लिए काम करना चाहिए, काम करने के लिए नहीं जीना चाहिए। बस जज साहिबा बस। उस दिन मुझे लगा कि वो फकीर ज्ञानी है, उस फकीर की बातों में सच्चाई है, वो सच कह रहा है। और उसी दिन उसी क्षण से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। देखा भाइयों, उस बेचारे फकीर ने इन्हें नहीं कहा है कि ये उनके जैसे बने। माय लॉर्ड, मुझे लगता है मेरी काबिल दोस्त शायद भूल रही है कि वह फकीर जो कहता है बुरे बनो चोर बनो, ऐसा कहने वाला इंसान फकीर कैसे हो गया? जी हाँ, वो फकीर ठीक कहता है, चोर बनो बुरे बनो बेईमान बनो, क्योंकि इस दुनिया को खराब करने में सबसे बड़ा रोल सबसे बड़ा योगदान अच्छे लोगों का है। जज साहिबा, मैं इस अदालत से जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं या बुरे लोग? माय लॉर्ड, मैं जस्ट ये बताना चाहती हूं
कि इस व्यक्ति के दिमाग को मानसिक रूप से वश में कर लेने के बाद तो ये व्यक्ति उस बवाल के ही गुण गाएगा ना। माय लॉर्ड, अगर पड़ोसी का बच्चा रो तो हमारे सिर में दर्द होगा, लेकिन अगर अपना बच्चा रो तो हमारे दिल में दर्द होगा। योनर, अब किसको सर में दर्द होता है और किसको दिल में दर्द होता है, इस बात की जिम्मेदारी तो उस महान संत की नहीं है ना जज साहिबा। देखिए मिस्टर विक्रम, आप अपने जज्बातों पर काबू रखिए और आपको जो कहना है वो सीधे सीधे कहिए। कानून जज्बातों पर नहीं बल्कि सबूतों पर टिका हुआ है। एग्जैक्टली मिला, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये कानून की देवी अंधी है। ये कानून सबूतों पर टिका है। इस कानून में इंसानी जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं। इस अदालत में जो भी इंसानी जज्बातों की बात करेगा वो पागल ठहराया जाएगा। जज साहिबा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं इस अदालत से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे जबीन से भी बड़ा कोई जज है इस दुनिया में? नहीं है जज साहिबा, नहीं है। क्या हमारे मन की आंखें इस काबिल नहीं कि हम देख सकें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? और यदि है तो फिर क्यों ये अंधा कानून बनाया गया है? क्यों नहीं हम तुरंत फैसला लेते हैं? इसलिए ना कि कहीं फैसला गलत ना हो जाए। गलत फैसला लेने में हम बुरा बनने में हमको डर लगता है। अरे गलत लो लेकिन फैसला तो लो। लो ना, एक कहावत है ना, टू err इज द ह्यूमन, यानी इंसान गलतियों का पुतला है। अरे इस गलतियों के पुतले को गलती करने की हिम्मत तो दो। देखिए मिस्टर विक्रम, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। आपको जो जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका सीधा सीधा आपको जवाब देना चाहिए। एडवोकेट रीना, आप अपने सवाल पूछिए। माय लॉर्ड, मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं। मैं इस अदालत को यही बताना चाहती हूँ कि मिस्टर विक्रम अपनी मर्जी से ऐसा जीवन जी रहे हैं। उन पर किसी बवाल ने डराया धमकाया नहीं है, वो ऐसा जीवन अपनी मर्जी से जी रहे हैं। मेरा बेटा मेरे हाथों से गया, उसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? हम बुढ़े ये कानून की भाषा जानते नहीं। बवाल ने मेरा बेटा छीन लिया, मच्छिना पिताजी आप खान खान चिंता कर रहे हैं। मैं एक बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। उस फकीर से मिलने के बाद तो मेरी आंखें ही खुल गई हैं। बेटा तेरी आंखें खुली या बंद मुझे मालूम नहीं, लेकिन तेरी इस हरकत से हमारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकती है। बेटा बुरी संगत का असर बुरा ही होता है ना। तू नहीं समझेगा। पिताजी वो फकीर तो कहता है कि संगत का असर तो होता ही नहीं है। और सही कहता है वो फकीर ज्ञानी है। देखिए ये अदालत है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। एडवोकेट माथुर, आप अगली प्रोसीडिंग्स चालू कर सकते हैं। जी माय लॉर्ड, अब इस केस में मैं अपने दूसरे गवाह इंस्पेक्टर केदार को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। मिस्टर विक्रम आप जा सकते हैं। जी मैडम। इंस्पेक्टर केदार हाजिर हो। माथुर इंस्पेक्टर केदार।
करके शपथ लेता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो इंस्पेक्टर केदार, आप इस केस की छानबीन कर रहे हैं, तो अब आप अदालत को इस केस की डिटेल्स बताइए। जी माय लॉर्ड, ये जो बाबा है वो गलत विचारों का प्रसार कर रहा है और उनके जो भक्त है वो उन विचारों का प्रसार कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरी मंगेतर रमा भी शामिल है, तो ऐसे बाबाओं को सलाखों के पीछे रखना ही समझदारी होगी। आप अदालत को ऑर्डर कर रहे हैं? जी नहीं माय लॉर्ड, मैं तो विनती ही कर रहा हूँ ताकि ऐसे घटिया और घिलौने विचारों से कई भोले भाले परिवार बर्बाद ना हो। ठीक है, देखो माय लॉर्ड, किस तरह एक शिक्षित और समझदार इंसान के दिमाग को भी सम्मोहन के द्वारा बेकाबू किया जा रहा है। इस बवाल बाबा की तो न जाने कितने परिवारों को बर्बाद करने की मंशा है। माय लॉर्ड, मैं फिर एक बार इस अदालत को बताना चाहती हूँ कि मिस रमा बालिग है और क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोचने का उसे हक है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यह समझदार नागरिक कल तक तो ठीक थी, आज उस बवाल बाबा की बातों में आकर कुछ भी बोल रही है। माय लॉर्ड, इस तरह की बातें समाज में केवल और केवल गंदगी ही फैलाएंगी। इसलिए मैं इस अदालत से विनती करूंगी कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन सस्ती। एडवोकेट रीना, आपकी बात सही है कि 18 साल की उम्र के बाद इंसान को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे समाज में गंदगी फैले या समाज की शालीनता भंग हो। मैं अपने अगले गवाह मिस रमा को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। मिस रमा, आप कटघरे में आ जाइए और ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लीजिए कि आप जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मेरे बाबा जी ही मेरे ईश्वर है और मैं बाबा जी की शपथ लेके कहती हूँ, जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो अब आप इस अदालत को ये बताइए कि क्या आप पर कोई जोर जबरदस्ती की है उनकी बातों को मानने के लिए, या आपको डराया धमकाया गया है? नहीं नहीं, बाबा जी ने कोई धमकी नहीं दी, बल्कि मैं चाहती हूँ ये अदालत सबको धमकी दे उस संत की बात मानने के लिए। थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाए, चोर बने बुरे बने। चोर बने बुरे बने, ये क्या बेहूदा मजाक है? जज साहिबा, समाज हमें स्वीकार करे इसलिए हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और अच्छे बनने की कोशिश में हम क्या करते हैं, कायर बन जाते हैं, खुद के ऊपर नकाब डाल लेते हैं, जो हम है नहीं वो दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन बुरा आदमी हिम्मती आदमी है, वो बुरे काम खुलेआम करता है और अपने निर्णय स्वयं लेता है। मिस रमा, ऐसे तो हर आदमी चोर बनेगा और कहेगा कि मैं हिम्मती हूँ, ऐसा कहना कहाँ की समझदारी है? माय लॉर्ड, हम इस समाज को सीख देना चाहते हैं, इस देश को, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, पर ये लोग उल्टी ही बोली बोल रहे हैं। माय लॉर्ड, ये केस शीशे की तरह एकदम साफ है, उस बवाल को और उसके सारे फॉलोवर्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस समाज को गंदा करने वालों का क्या अंजाम होता है इन्हें सबक मिल सके। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हम ऐसे ही किसी को सजा नहीं दे सकते, हम इस आजाद देश के नागरिक हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार हर किसी को है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है तो क्या कोई कुछ भी बोलेगा और हम सुनते रहेंगे? जो इंसान खुद को पूरा और पागल कहता है उसे यहाँ फकीर बनाया जा रहा है, ऐसे तो हम अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आप अदालत का अपमान कर रही हैं। अपमान? अदालत का अपमान तो उसी वक्त हो गया जब साहिमा जिसने इस अदालत ने
आम भूलते हैं। कटघरे में तो हम जैसे अच्छे लोगों को ही तो खड़ा किया जाता है। राधा जी, आप ईश्वर की शपथ लेके कहिए, आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। माँ का आक्रोश, ईश्वर की शपथ लेकर सुनना चाहते हैं आप? मेरी दोनों बच्चियां जो उस बाबा की वजह से मुझसे अलग हुई है, उनकी शपथ लेकर कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो राधा जी, बताइए आप इस अदालत को क्या कहना चाहती हैं? लोग जिन्हें ईश्वर मानते ऐसे बाबाओं की वजह से, जिसने अपना सब कुछ खोया हो, क्या उसके पास बोलने के लिए कुछ रह जाता? बाबाओं की वजह से मतलब कौन से बाबा ने पीड़ित किया है आपको? 20 साल पुरानी बात है। एक ढोंगी बाबा के रूप में सबको फंसा रहा था, लोग उसे ईश्वर मान रहे थे। मेरे पति भी उसके पहनावे में आ गए। जब मैंने उस ढोंगी का पर्दाफाश करने की कोशिश की, तो उसने मेरे पति को मेरे खिलाफ ये कहकर धड़का दिया कि मैं कुलता हूं। यहां तक कि मेरी दोनों बच्चियां कैसे संबंधों का नतीजा है, ये सुनकर मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अपने बच्चों को लेकर पूरी रात मैं फुटपाथ पर बैठी रही। वो अंधेरी रात मैं आज तक नहीं भुला पाई हूँ। मुझे सोने नहीं देता है। वो मंजर जब आज भी मुझे याद आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। इन बच्चों को देखकर मैं जी रही थी, जो मेरे जीने का सहारा थी, उन्हें भी पवाल रूपी तूफान बहा ले गया, मेरी सारी खुशियां छीन ले गया। चूंकि इस समय मेरे मुवक्किल की जज्बाती हालत ठीक नहीं है, मैं इस अदालत से 15 मिनट की मोहलत चाहूंगी। नहीं मैडम, चालू रखी। माँ की भावुकता अदालत के आड़े नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि आप उसे कोई सजा दे, कोई भी निर्णय लेने से पहले मासूम जिंदगियों के बारे में जरूर सोचिए, जरूर सोचिए। आप
आप ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लीजिए कि आप जो कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ, मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप इस अदालत को बताइए, क्या वो बाबा आपको बहका रहे हैं? नहीं, बाबा मुझे क्यों बहकाएंगे? वो तो मुझे बाबा के विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनके बताए हुए राह पर चल रही हूँ। वैसे भी बाबा जी बिल्कुल उस पानी की तरह है, जो जिस रंग में मिल जाता है उसी रंग का हो जाता है, और हम भक्तों के मन में बाबा जी के लिए जो भक्ति है वो उस रंग की तरह है जिसे पानी से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन वह लोगों को जो गलत बातें बता रहे हैं उसका क्या? वो आपको गलत इसलिए लग रही है क्योंकि आप उन्हें समझ नहीं रहे हो। आप एक बार बाबा जी को सुनोगे तो आप सब उन्हीं के ही गुण गाओगे। बाबा जी के विचार बाबा जी से ही सुनिए तो मेरी माँ के साथ साथ आप सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहिबा, वकील साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई मशीन है, क्या कोई यंत्र है आपके पास? देखिए, जिससे यह पता चल पाए कि इस कटघरे में खड़ा होकर शख्स सच बोलता है या झूठ? देखिए, ये आप इस तरह की बातें नहीं करें, ज्यादा होशियार मत बनो। ये अदालत का एक तरीका है, उसकी मान मर्यादा है। जी, अगर बात मान मर्यादा की है तो ठीक है, मैं इस सबून मानव जाति और ईश्वर की शपथ लेकर ये कहता हूँ कि मैं जो कहूंगा वो सच कहूंगा। जज साहिबा, आप जिस समाज को गुमराह करने की बात मुझसे कर रही हैं, क्या वह समाज सही राह पर है? आए दिन अखबारों में चोरी, डकैती, लूट, खसोट, बलात्कार व हत्या की खबरें छपती, क्या यह समाज सही समाज है? पिछले 2000 वर्षों से हमने न जाने कितने युद्ध और लड़ाइयां लड़ी, क्या यह समाज सही राह पर जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज समाज के नाम पर सिर्फ एक भीड़ इकट्ठी हो गई है, सिर्फ एक भीड़, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार। लेकिन चोर बनो, बुरे बनो, ये कहना एक और बेहुदा हरकत नहीं है? नो, है बेहुदा हरकत, इस समाज के लिए है। बट वकील साहिबा, मैं आपको बता दूं कि दिस द वर्ल्ड इज सफरिंग not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. Silence of good people. लेकिन मिस्टर बवाल, ये सब कहकर आप अपने आप को सही प्रूव नहीं कर सकते। चोर बनो, बुरे बनो कहकर समाज को क्या दिशा दे रहे हो आप? आप किस समाज को दिशा देने की बात कर रही हैं? ये समाज जहां भाई भाई की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता और बेटी माँ की नहीं सुनती। अरे थोड़े से जरा से जमीन जायदाद के झगड़े में सगे भाई एक दूसरे का कत्ल करने पर आमादा हो जाते हैं, साजिशें रची जाती हैं। क्या यही वो समाज है? ऐसे में हमें चोर बनना होगा, because there is honor among thieves, चोर मौसेरे भाई। थोड़ा बहुत भाईचारा तो उन चोरों में अब तक है। और जहां तक आप बुरा बनने की बात कर रही हैं, तो एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन झाका आपना मुझसे बुरा न कोई। आज यहाँ है
इंसान दूसरे में बुराई ढूंढता है। क्या क्या इस भीड़ में मौजूद कोई शख्स ऐसा है जो ये मान सके कि वो बुरा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। हमें यही भावना लानी होगी, हमें ये मानना होगा कि हम बुरे हैं। और जब हम ये मानेंगे कि हम बुरे हैं तो अपने अंदर की बुराई को झांकेंगे और तभी सुधार की ओर अग्रसर होगी ये मानवता। ये आदमी सम्मोहन के जरिए वश में करना चाहता है सबको। अगर चोर बनो, बुरे बनो, मैं ये समाज का हित चाहता है, फिर क्यों बोलता है कि पढ़ाई लिखाई भी बेकार है? आप कौन से पढ़ाई के समाज की बात कर रही हैं? ये आज का पढ़ा लिखा समाज घंटों घंटों कंप्यूटर और लैपटॉप पर बैठा रहता है और बैठे बैठे 5 से 10 कप कॉफी और आधी पैकेट सिगरेट धुएं में उड़ा देता है। क्या क्या यही पढ़ाई की परिभाषा है? जी नहीं, असली ज्ञान तो वो है जब वो अपने मन, मस्तिष्क और शरीर में सामंजस्य स्थापित कर पाए। अपने माइंड, बॉडी और हार्ट में हार्मोनी लाना ही असली ज्ञान है। और वैसे भी पढ़ लिख कर हम कहाँ पहुंचे हैं आप? जज साहिबा, मैं पूछता हूँ कहाँ पहुंचे हैं हम आज? ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए होते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चीजों से प्यार करते हैं। क्या क्या यही सिखाती है आज की ये पढ़ाई लिखाई? आज की पढ़ाई से रियल पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा, लेकिन पढ़ाई से नॉलेज तो बढ़ती है ना? Nobody cares how much you know. Everybody wants to know how much you care. और वैसे भी एक कहावत सदियों से प्रचलित है, अरे बुरा, अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। असली ज्ञान, असली पाठशाला तो हमारे बड़े बुजुर्गों के चरणों में है और अगर हम उस पाठशाला तक ना पहुंच पाए तो इस पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? माय लॉर्ड, जो कहावतें ये आदमी कह रहा है ना, ऐसी कई कहावतें हम भी सुनते हैं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और ये आदमी कहता है कि संगत का असर होता ही नहीं है। जी, कौन सी गंदी मछली, कौन सी अच्छी मछली? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही होती है तो बाकी की अच्छी मछलियाँ क्या कर रही होती हैं? और अगर संगति का असर होता है तो 100 अच्छी मछलियों की संगति का असर उसके एक गंदी मछली पर क्यों नहीं होता? क्योंकि अच्छी मछलियाँ अच्छे लोग सिर्फ अच्छे होते हैं, वो कुछ करते ही नहीं। बातें वाकई अच्छी है, लेकिन ये आप जो खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या तो खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं आप, उससे आपकी जान को खतरा भी तो हो सकता है। जी, इस समाज ने सुकरात को, जीसस को, मीरा को मार डाला, तो मेरी क्या औकात है जज साहिबा? और एक एक्सपेरिमेंट न्यू मैक्सिमो में भी हुआ था और बाद में उसी परमाणु बम को जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बरसा दिया गया। मेरा यह प्रयोग उतना विनाशकारी नहीं होगा जज साहिबा, नहीं होगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बाबा बवाल की बातें ही तो अच्छी है। बाबा थोड़े बवाल है बट कमाल है। लेकिन बाबा बवाल, यह कोर्ट आपको हिदायत देना चाहती है कि आपकी सोच और आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन उसका माध्यम बिल्कुल गलत है। आप किसी निजी या सरकारी संस्थानों से जुड़ क्यों नहीं जाते? उनके साथ काम करिए तो आपके और विचार अच्छे स्थापित हो सके और समाज में जो आप परिवर्तन लाना चाहते, सकारात्मक परिवर्तन जो आप लाना चाहते हैं, वो ठीक तरह से स्थापित हो सके। ये सारे सबूतों के आधार पर यह कोर्ट बाबा बवाल को बाइज्जत बरी कर दी।
परिचय कर देना चाहती हूँ। विपिन चंद्र विक्रम करो कुणाल साळुंके इंस्पेक्टर केदार करो। हेलो ज्योति सॉरी उल्का सावंत ज्योति करो। हेलो कैटरीना विजया लक्ष्मी लोंढे जज विजया पाटिल फ्रॉम डीपीएस एडवोकेट माथुर नेहा गोयल मिस रमा शारदा हराळकर दादा जोशी बाकेशी पिल्लू लेकिन मेरा मेरा बेटा तो गिरा है मेरे हाथ से तो मैं राणा रणवीर कुमार बवाल के किरदार में हीरा लाल जी आपका बेटा आपको कुछ ही पलों में दोबारा मिल जाएगा क्योंकि ये शरीर नश्वर है और आत्मा भी नश्वर है तो मैं क्या हूं। Hello, good evening all of you. I am Miryala Hussain. I am from Heavy Water Plant Manuguru, representing Nagarjuna Group. I would like to sing a Telugu song, which is sung by Jesudas. प्रवाह में गंगा प्रवाह में स्वर राग गंगा प्रवाह में अंगात्म संधान योग में प्राप्ते वसंते
ಕಡಲನೋಪಲ ನಿಂಡಿನ ನಿಂಗಿಲು ಉರಿ ಮೇಲು ಮೇಘಂ ಇನ್ನಲಗಿ ಪಿಲ್ಲನ ಗೋವಿಲು ಪಿಲವನಿ ಮೋವಿಲು ಕೂರಿಸೆನು ರಾಗಂ ಈನಾಟಿಕಿ ಮಟ್ಟಿಂದಿರಾಯೇ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೈ ಪೋಯ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರಾನ ಸ್ವರ ಸಪ್ತ ಕಲೆ ಕೆರಟಾಲು ಕಾಗ ಆಗಂಗ ಪೊಂಗಿಂದಿ ಲೋನ ಸ್ವರ ರಾಗ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹ ಮೇ ಅಂಗಾತ್ಮ ಸಂಧಾನ ಯೋಗ ಮೇ Thank you very much. हॅलो याच्यानंतर डॉक्टर पुरंदे त्यांनी स्टेजजवळ यावे. डॉक्टर पुरंदे आपल्यासमोर आता देवांग ज्योती कलश छनके हे सिंथेसायझर वाजून दाखवत आहेत. एक जोरदार टाळ्या होऊन दे त्यांच्यासाठी. पुढे
हेलो डॉक्टर पुरंदरे अपने समोर एक हिंदी गीत गाता है पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा दिल पे खींची है दिल पे काजल की रेखा काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा ओ काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा राम में क्यों तूने रावण को देखा राम में क्यों तूने रावण को देखा खुली खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही झूठा ही सही हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जा अपनी निकल जाए न कहीं जरा हा कह दे मेरी जा कह दे मेरी जा कह दे जरा हा कह दे जब रहन पड़े नहीं चैन पड़े कहीं चैन पड़े नहीं रहन पड़े माना तू सारे हसीनों से हसी है माना तू सारे हसीनों से हसी है अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है कभी तू भी ओ कभी तू भी हमारा दीदार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे
अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले। झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, मैं सेल्फ अनिल दापाड़े गाना गा रहा हूँ, कोई हसीना, फिल्म शोले। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। आज तेरी इज्जत का सवाल है। हाथों में चाबुक होंठों पे गालियां, हाथों में गालिया, बड़ी नखरे वालिया होती है तांगे वालिया। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो है तो है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। छैया मुकुड़े पे धूप है, धूपों पे छैया मुकुड़े पे धूप है। बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है।
डोर से पतंग जब छूट जाती है तो है तो है तो है तो रुत रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रुत जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। 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 थैंक यू। इसके बाद मिस्टर रेडकर प्लीज कम हियर। कमल संभाले हुए मन का जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ
देर से लहर में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली कहाँ उड़ चली। एक मराठी गाणं आपल्यासाठी, मला तिकडनं सांगितलं गेलं एक मराठी गाणं घ्या, प्रयत्न करतो प्रयत्न कशाला। दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी, हे जिंचे चे झाड दिसे मज चिनार वृक्षापरी, दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी, दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी, हे जिंचे चे चार रुसली समुगाता जवळ ये ना जरा, जागीत बुलबुला माझा चित पाखरा, करू शाहिरी, दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी, हे चिंचे चे झाड हर रंग दाविती गुलाब गहिरे ठिके, तुझा डाल सरोवर दिसते कालाडके, पाण्यात तरंगे हरुकुलते होडके, चांद बैसुनी
मस्त करू साजरी दिसशी तू दिसशी तू दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी हे चिंचेचे झाड दिसे मत चिनार वृक्षापरी दिसशी तू दिसशी तू दिसशी तू नवतरुणी काश्मीरी हे चिंचेचे झाड. थँक यू. अभी आपके सामने एक तेलुगु सॉन्ग आ रहा है. तेलुगु डायलॉग. ओके प्लीज कम हियर. हेलो सर, दिस इज फ्रॉम साइदा नायक गोलकोंडा टीम. सर मैं अभी एक तेलुगु फिल्म से एक डायलॉग बोल रहा हूँ. इसका पहले डायलॉग का पहले स्टोरी क्या है, मतलब दुर्योधन मालूम है सबको. दुर्योधन ये श्री कृष्णा क्या करते हैं, आराम से ऐसा ऐसा रहता है. उसी टाइम में दुर्योधन ऐसा आता है, ये टांग का नीचे मैं नहीं रहता हूँ बोल के इधर आता है. तो दुर्योधन को श्री कृष्ण नहीं देखता है. तो अरे यार मैं इधर आ गया, नहीं देख रहा है मेरा कोई है, बोल के उसका डायलॉग अभी बोलता है. आचार्य देवा ये मंटीवी ये मंटीवी जाति निपुमुनु सूत सूतल किंद विलु अर्हत लेदंदुवा ఎంత మాట ఎంత మాట. ఇది క్షాత్ర పరీక్ష కాని క్షత్రియ పరీక్ష కాదే, కాదు కాకూడదు. ఇది కుల పరీక్ష ఎందువా, నీ తండ్రి భరద్వాజుని జననమెట్టిది, అట్టి జుగుప్సాకరమైన నీ సంభవం ఎట్టిది, మట్టి కుండలో పుట్టిదివి కదా. నీది ఏ కులము ఇంత ఏలా. అస్మత్ పితామహుడు కురుకుల వృద్ధుడైన ఈ శాంతనముడు శివసముద్ర భార్య అయిన గంగా గర్భమున జనయించలేదా, ఈయనదే కులము. నాతో చెప్పించదేవయ్యా, మా వంశానికి మూల పురుషుడైన వశిష్ఠుడు దేవవేషయుగు ఊర్వశి పుత్రుడు కాదా? అతడు పంచమజాతి కన్య అయిన అరుంధతి ఎందు శక్తిని, ఆ శక్తిని చండాలంగుని ఎందు పరాశురుని, ఆ పరాశురుని పల్లెపడుచున్న మత్స్యగంధి ఎందు మా తాత వ్యాసుని, మా ఆ వ్యాసుని విధవరండ్రైన మా పితామహి అంబికతో మా తండ్రిని, మా పిన్న పితామహి అంబాలికతో పిన్న తండ్రి పాండురాజును, మా ఇంటి దాసిచే ధర్మ నిర్మాణచరుడిని మీచే కీర్తించబడుచున్న ఈ విధుర దేవుని కనలేదా? ఈయనదే కులమును. సందర్భానుసారం బట్టి క్షేత్రదగ ప్రాధాన్యంతో శంకరమైన మా కురువంశము ఏనాడో కులహీనమైనది, కాగా నేడు కులము కులము అని వ్యర్థవాదనకు సర్వదా సదదా పాప పంకిలమైన కుల మత జాతి కూపమును సమూలముగా శాశ్వతముగా ప్రక్షాళన గావించేదా? ఎనీ డౌట్? థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है, थैंक यू.
कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। आपल्यासमोर कुणाल साळुंके टीम एलोरा हे एक डायलॉग बोलणार आहे, मला वाटतं एखाद मिनिटाचा नमस्कार, मैं कुणाल साळुंके एक्ट्रेक एलोरा टीम से हूँ। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का एक डायलॉग बोल रहा हूँ। फिल्म का नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाळा साहेब ठाकरे। आदमी की हिम्मत और ताकत उसकी छाती कितनी इंच की है इससे तय की नहीं जाती। मैं अकेला भी रह गया ना तो लाख लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। जय महाराष्ट्र। थैंक यू।
जय शिवाजी। हेलो, डीएई कल्चरल मीटला वेगळे ऍक्टर येतात, शुभेच्छा द्यायला ना। पहिले तर गुलशन ग्रोवर आले तर कसे बोलतील, बर्डमन मन तो डीएई कन्व्हेन्शन सेंटर मे ड्रामा मे पार्टिसिपेट करना है, जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में है, गन्ना चूस के। नंतर दादा कोण घेतात, ए ना तुला पण नोटीस हेड करायचंय, मी पण नोटीस हेड करणार, मी पण देणार, मला पण नोटीस हेड करायचंय। मग निळू फुले येतात, निळू फुले भाई भाई तू तुम्ही सरळ जाऊ, आपण ह्या प्रोग्राम झालो की तुम्ही सर्व वाड्यावर या, थँक्यू कदम।
जी साथियों नमस्कार, आप सभी को प्रिंस ग्रोवर का सादर नमस्ते, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, खम्मा घड़ी, वेरी वार्म एंड लवली इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लेडीज, किड्स एंड जेंटलमैन। मैं मंच, जी हाँ, बहुत शुक्रिया, मैं मंच पे आ गया हूँ। तीन दिन से मैं इस मौके की तलाश में था, वो इसलिए मैं ये चाहता था कि हमारा DIE कन्वेंशन सेंटर जब खचाखच भरा हो, अनुशक्ति नगर का प्रेम यहाँ पर उमड़ के आए, तब मैं आपके बीच में आऊँगा। और आज इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर हैं, इसीलिए आपके प्रेम की वजह से मैं मंच पे आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी तादाद में हमारे बीच आने के लिए। और जिस खास मकसद के लिए मैं आपके बीच आया हूँ, उस मकसद को आप तक पहुँचाने के लिए बिना किसी भूमिका के, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर द ड्रामा एंड इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट। जो सीटी बजी है, जो विसल बजी है, इसका मतलब है कि स्टेज सेटअप रेडी हो गया है। अभी आपके सामने सिनॉप्सिस पढ़ी जाएंगी और फिर हमारे ड्रामा का समय भी शुरू हो जाएगा और ड्रामा आपके बीच में आएगा। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी काम, आज आप मुझे इजाजत दें तो मैं कर लूं। और उस जरूरी काम के लिए सबसे पहले मैं अपने प्रिय मित्र और हमारे सीनियर मैनेजर PR HR और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर श्री SN सौजी से गुजारिश करूंगा कि हमारे दो सम्मानित जजेस और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सचिन कड़ाले जी और हमारे DIE ऑब्जर्वर श्री प्रबल चौधरी जी को साथ लेकर कृपया मंच पर पधारें। मैं आप तक वो परिचय पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो गणमान्य जन हैं, जो निर्णायक मंडल हैं, उनकी प्रतिभाएं क्या हैं, वो किस तरह की शख्सियत हैं, मैं परिचय आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और उस परिचय के बाद फिर हम अपने ड्रामा की ओर बढ़ेंगे। शौजी कृपया मंच पर आइएगा हमारे सभी गणमान्य जनों के साथ। सो आज के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्री सचिन कड़ाले जी, सर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम यहाँ पर देख रहे हैं अपना ही एक जाना माना चेहरा, आदरणीय श्री प्रबल चौधरी साहब, जो डिवीज़न हेड हैं RSSK BRC से, और आज ही नहीं बल्कि पिछले चार दिन से हमारे साथ हैं, बींग इन द रोल ऑफ DIE ऑब्जर्वर। ये हमारे DIE ऑब्जर्वर हैं, ये जो पूरा कार्यक्रम आपके बीच में रखा जा रहा है उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हुए, सर मार्गदर्शन देते हुए। और शौ जी के बारे में मैंने आपको बताया, अब ये जो दो महान शख्सियत हमारे बीच में हैं, इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, लेकिन फिर भी दो तीन शब्द कम से कम मैं इनके बारे में कह दूं तब आप तक परिचय पहुंचाऊं। यदि आपने बॉलीवुड की कुछ मूवीज देखी हैं, सनी लियोनी की मूवी बेईमान लव देखी है, या कृष्णा अभिषेक कपिल शर्मा को देखा है, या कमलेश सावंत को देखा है, या त्यागी जी को देखा है, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को डायरेक्ट करने वाले बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्री राजीव चौधरी जी हमारे बीच में हैं। और मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि 27 मई को इनकी एक फिल्म रेड द फायर ऑफ लव, जिसमें कृष्णा अभिषेक को इन्होंने डायरेक्ट किया है, वो फिल्म रिलीज हो रही है। ये सर इतने बड़े कलाकार हैं, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, हमारी एक गुजारिश पे हमारे बीच निर्णायक के रूप में उपस्थित हैं। सर हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। अभी स्वागत का सिलसिला थामा नहीं है, ये जो फूल हैं उनकी आभाएं उनके महक आप तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन अपने आप में महक रखने वाली शुभ मल्होत्रा जी हमारे बीच में हैं, मैं इनका परिचय आप तक पहुंचा दूं। शुभ मल्होत्रा जी फैशन डिजाइनर हैं, स्टाइलिस्ट हैं, फिल्म मेकिंग में हैं। इनकी बनी फिल्म को सिडनी फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल चुका है। और जब हम मल्होत्रा नाम सुनते हैं, इतना अच्छा सुंदर चेहरा देखते हैं, तो आप सबके जहन में एक नाम अपने आप शायद उभर के आता है। हम फैशन की बात करते हैं, मनीष मल्होत्रा। तो मनीष मल्होत्रा जी की सगी भाभी हैं शुभ मल्होत्रा जी, आप हमारे बीच हैं, हम चाहते हैं कि हम आपका सम्मान करें। हम हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सचिन कड़ाले जी से गुजारिश करेंगे कि अपने शुभ हाथों से सर हमारे दोनों ही अतिथियों का, दोनों ही निर्णायक मंडलों का स्वागत करें, फूलों का गुलदस्ता भेंट कर। स्वागत है मैडम आपका, स्वागत है सर आपका। और अब हम ये भी चाहते हैं कि सचिन जी और प्रबल साहब का भी स्वागत हो। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा आदरणीय शाह साहब से कि वो हमारे बीच उपस्थित श्री सचिन कड़ाले जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। राज सैम्यूल जी सीनियर मैनेजर HR कृपया मंच पर आइएगा और फूलों के गुलदस्ते से हमारे आदरणीय श्री प्रबल चौधरी साहब का स्वागत अभिनंदन कीजिएगा।
इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास जो प्रेम है, इस प्रेम के लिए मैं रुका हुआ था और तब मैं आपके बीच में ये फूलों की महक, गुलों की महक लाना चाह रहा था। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर गाइडेंस, फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई नो आज आप पेंटिंग के लिए, कला ड्रामा के लिए, पोइट्री के लिए हर तरफ आप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। और सर का जो फिल्म है उसका ट्रेलर मेरे पास है, जो फिल्म रिलीज होने वाली, वो ट्रेलर हम बिल्कुल राइट किसी अच्छे से समय पे दिखाएंगे, लेकिन इस समय आप सबकी आंखें इस पर्दे के पीछे होने वाली चीज़ों पे लगी हुई हैं, मैं जानता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत कर दीजिए। और फिर मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। सर, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैडम जी, साथियों, और ये जो डीएई मीट के तहत ड्रामा चल रहे हैं, इसका फॉर्मेट अब तक आपको समझ में आ गया होगा। डेढ़ घंटे का एक ड्रामा होता है जिसमें आधा घंटा स्टेज सेटअप के लिए होता है। हमारा पहला ड्रामा 7 बजे ख़त्म हुआ, उसके बाद 15 मिनट स्टेज के डिसमेंटल के लिए हम रखते हैं। 7:15 पे स्टेज डिसमेंटल कंप्लीट होने के बाद 15 मिनट का गैप दिया जाता है। 7:30 पे स्टेज वाज हैंडेड ओवर टू टीम अजंता, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डन फॉर ऑल द टीम्स। 7:30 पे अजंता ने स्टेज लिया और 8 से पहले विद इन टाइम दे हैड मेड देयर स्टेज रेडी, उसकी विसल हमने सुनी। और अब 45 मिनट्स का इनेक्टमेंट हम देखेंगे। उसको देखने से पहले सिनॉप्सिस के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं टीम अजंता से। एक बार जोरदार तालियां टीम अजंता के लिए। सुस्वागतम। कोरोना महामारी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बुरे हालात बना दिए। इस महामारी ने की पढ़ाई पर भारी खर्च करने पर भी वह अव्वल नहीं आ पाई। फेल्यूर की वजह से समाज के बोल सुनने पड़े। अपने कर्तव्य पर खरे उतरने के में नाकामयाब रही। जैसे तैसे मुश्किल से नौकरी लगी थी, वह भी कोरोना महामारी में की वजह से छूट गई। घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई और जीवन की हर परीक्षा में फेल हो गई। जिंदगी में घटने वाली सारी घटनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए रुचि आत्महत्या करने की ठान लेती है और सारे दुखों को मिटाने का इलाज इसी में ऐसा सोचती है। और फिर पहुंचती है एक ऐसी जगह जहां उसे आत्महत्या के लिए कुछ पर्याय सुझाए जाते हैं। तो रुचि आत्महत्या के लिए कौन सा पर्याय चुनती है? उसकी माँ पर क्या गुजरती है जब वह इस तरह का फैसला ले चुकी है? माँ रुचि को बचा पाएगी या फिर रुचि की आत्महत्या होके ही रहेगी? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए आइए देखते हैं। अजंता ग्रुप BARC पेश कर रहे हैं मराठी एकांकी सेल ऑफ सुसाइड। तुम्ही 28 ला या। तुम्ही स्कूल ना, तुमची 28 ला अपॉइंटमेंट फिक्स करू।
नो 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 मॅडम, अपॉइंटमेंट मिस करायचा विचारच करू नका, नाहीतर तुम्हाला 3 महिने वाट पाहावी लागेल. तुमची अंदाज समजू का तुम्ही, पण आम्हाला आत्महत्या करायला वेळ सुद्धा नाहीये. ओ लाईफ इज अ रेस, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू हॅव टू फेस, बट डेथ, दॅट इज अ पीस. येस, सुसाईड इज ग्रेटर अँड लार्जर दॅन लाईफ. अहो आयुष्याच्या खेळात हरण्यापेक्षा हा खेळ संपवून टाका ना. ओम शांती. अच्छा अच्छा, म्हणजे ओम आणि शांती लावून सुसाईड करायचंय. दॅट्स नाईस, दॅट्स नाईस. आम्ही कपल साठी डेस्टिनेशन सुसाईड पॉइंट पण ऑफर करू शकतो. तर मिस कपूर, तुम्हाला कुठे जायला आवडेल? नाही म्हणजे कुठे जाऊन सुसाईड करायला आवडेल? येस बेबी, वी प्रोव्हाइड ऑनलाईन सर्व्हिसेस टू. जस्ट व्हिजिट अवर वेबसाईट SOS सेल ऑफ सुसाईड. मिस्टर देवा, आय मीन बॉस, सकाळपासून किती अपॉइंटमेंट फिक्स झाल्या? 10-15 नाही, टोटल 27 जणांनी अपॉइंटमेंट फिक्स केल्या, आणि त्यातून तर 7 लोक डेस्परेट झालेत सुसाईड साठी. अहो मग त्यांना पण लवकरात लवकर बोलून घ्या ना. अरे आता अपॉइंटमेंट फिक्स केली आहे म्हणजे येतच असतील ना. आता तर सुसाईडचा ट्रेंड चालाय बघा. आजकालच्या यंगस्टरचा ना काही भरोसाच नाही, सुसाईडची तर नुसती फॅशनच झाली आहे. आजच आहे ना, शाळेतल्या 3 विद्यार्थिनींनी आत्महत्या फिक्स केली आहे, अपॉइंटमेंट घेतली आहे. अरे काय सांगतोय, ऐकलत का? म्हणजे व्हायरस ऑफ सुसाईड इज फुल ऑन डिमांड. आता आपलं काम खूप वाढलंय ना. ए प्लीज प्लीज प्लीज, आता 15 मिनिटं कामाचं कोणीच काही बोलणार नाही. आता 15 मिनिटं ओनली एन्जॉय. चाय चाय चाय. रुची दामले, येस येस येस, तुम्ही मला नाही देवाला कॉल केला असेल. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही डायरेक्ट देवाकडे जा. डायरेक्ट देवाकडे? आय मीन मिस्टर देवाकडे, अवर बॉस. प्लीज गो दॅट वे. Yes? Ruchi. Oh, yes, 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 yes. Ruchi Damle. Welcome to our office. SOS. तुम्हीच सकाळी कॉल वर अर्जंट अपॉइंटमेंट फिक्स केली होती, राईट? प्लीज हॅव अ सीट. तर सांगा, हाऊ कॅन आय हेल्प यू? मला आत्महत्या करायची, तेही आजच्याच. आय जस्ट वॉन्ट टू एंड माय लाईफ. आर यू शुअर? येस. तुम्ही तुमचा निर्णय विचार करून घेतलाय ना? हो. आत्महत्या करताना घाबरणार तर नाही ना तुम्ही? ते आताच नाही सांगू शकणार, खर तर नाही घाबरणार. I have made my mind and well prepared mentally. पण जर तुम्ही घाबरला तर मिस रुची, लेट मी मेक यू व्हेरी क्लियर. एकदा का एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली की ती व्यक्ती जिवंत राहत नाही. जोपर्यंत आत्महत्येची प्रक्रिया सुरू होत नाही तोपर्यंत तुम्ही माघार घेऊ शकता. यू कॅन गो बॅक ॲट एनी टाइम, ॲट लास्ट मिनिट ऑल्सो. पण एकदा का आत्महत्येची प्रक्रिया सुरू झाली त्यानंतर तुम्ही माघार घेऊ शकत नाही, मग तुम्हाला देवही वाचू शकत नाही. आणि या प्रोसेसचा शेवट एकच,
एंड ऑफ युअर लाइफ. काय नाही समजला? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. समजा तुम्ही टॉवरच्या 12व्या मजल्यावर उभे आहात. आत्महत्या करण्याचं तुम्ही मनाशी पक्कही केलंय. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यापासून सुटका मिळणार आहे. मग तुम्ही डोळे बंद करून दीर्घ श्वास घेता आणि स्वतःला हवे झुकून देता. आता तुमच्या आणि जमीन फक्त 10 सेकंदाचं अंतर उरलंय. तुम्ही प्रचंड वेगाने खाली जात आहात. आता फक्त 8 सेकंदाचं अंतर उरलंय. आणखी वेगाने खाली जात आहात. 7 सेकंद, 6 सेकंद, 5 सेकंद आणि अचानक तुमच्या मनात आत्महत्या न करण्याचा विचार येईल. मला वाटेल की तुमचा हा निर्णय चुकलाय. जगण्यासाठी तुमचं सगळी धर्म आहे पण तुम्ही काहीच करू शकत नाही. आणि असा आवाज येईल आणि तुमचं शरीर रक्तबंबाळ अवस्थेत निशब्द पडलेलं असेल. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ युअर लास्ट 0 सेकंड. टोटली लॉस्ट. तुमचं आयुष्य पण वेस्ट आणि तुमची आत्महत्या पण वेस्ट. तर मी सुचे तुम्हाला तुमच्या आत्महत्येबद्दल काही शंका कुशंका असतील ना, तर प्लीज प्लीज डोंट वेस्ट युअर टाइम अँड अवर टाइम ऑल्सो. तसं असेल ना तर तुम्ही आताच आता ऑफिस मधून निघून गेलात तरी चालेल. यू मे लिव. नाही सर, माझा निर्णय झालाय. काहीही झालं तरी मी आत्महत्या करणारच. कॅन यू रिपीट इट अगेन फॉर अस? मला आत्महत्या करायची. लाउडली. आय वॉन्ट टू कमिट सुसाइड. गुड, व्हेरी गुड मिस रुची. बसा. तर आमच्याकडे तुमच्या आत्महत्येसाठी बरेच प्लॅन्स आहेत. प्लॅन्स? हो बरोबर, प्लॅन्स. अहो, या प्लॅन्सच्या मदतीने आम्ही लोकांच्या आत्महत्येमध्ये थ्रिल आणतो आणि ते हसत हसत आत्महत्या करायला तयार होतात. अहो, कधी कधी अख्ख्या जगाला कळतं पण आमच्या क्लायंटला कळत नाही की त्यांनी आत्महत्या कधी केली. सो गाईज, प्लॅन्स. मॅडम, तुम्ही आमचा प्रीमियम प्लॅन ट्राय करा. यात आम्ही आत्महत्यासाठी लागणारे नोट्स तयार करतो, व्हॉट्सअपवर लागणारे मेसेजही करतो आणि विशेष म्हणजे 3 दिवसाची पर्सनल ट्रेनिंग सुद्धा देतो आणि ते सुद्धा अगदी बजेट फ्रेंडली. मी सुरुची, मी काय म्हणतो, तुम्ही आत्महत्या तर एकदाच करणार ना? तर तुम्ही आत्महत्या एकदाच करणार ना, तर तुम्ही आमचा डायमंड प्लॅन घ्या. 100% मुक्तीची गॅरंटी. तुम्ही आत्महत्येकडे एक पाऊल पुढे टाका, बाकी सगळं आम्ही बघतो. मॅडम, हे तर काहीच नाही. लग्नात जसं नवरीला सजवतात ना, तसंच तुमच्याही त्याच प्रकारे आम्ही तुमच्या तुमच्या आत्महत्येसाठी मेकओव्हर करणार, तुमची व्हिडिओ तयार करणार, मग ती युट्यूबवर टाकणार, मग ती होऊन जाईल व्हायरल. नाही तर ना मॅडम, आत्महत्यावर प्रत्येक न्यूज पेपर मध्ये मोठे मोठे सायकोलॉजिस्ट, मोठे मोठे डॉक्टर, सोशल लीडर, ह्युमन राईट्स वाले विचार मंथन करतील. अहो, डिबेट करतील, डिबेट. आणि एवढंच नव्हे तर विधानसभेत तर टॉपिक ऑफ डिस्कशन मध्ये फक्त तुमचंच नाव असेल. हो मॅडम, फक्त तुमचंच नाव. रुची दांडे. आम्ही ना नाक्या नाक्यावर तुमच्या नावाने मेणबत्त्या लावू, नाक्या नाक्यावर मोर्चे काढू, नाहीतर ना हेल्पलाईन नंबर सुरू करू, जेणेकरून जे युवक आत्महत्येसाठी डेस्परेट झालेले असतील त्यांच्यासाठी तुम्ही रोल मॉडेल व्हाल, इन्स्पिरेशन व्हाल. एकदम इन्स्पिरेशन. वा मस्त. आणि या एकंदर प्रक्रियेसाठी पैसे किती लागतील? ओनली 50 लाख. काय 15 लाख? हो 15 लाख. 15 लाखामध्ये आम्ही तुमची A1 आत्महत्या प्लॅन करू. 15 लाख? तुम्हाला काय मी वेडी वाटले? माझ्याच आत्महत्येसाठी मी तुम्हाला 15 लाख रुपये देऊ? अहो, तुम्हाला 15 लाख रुपये देण्यापेक्षा मी घरी जाऊन पंख्याला लटकून नाही का मरणार, तेही फुकट. रुची, तू वेडी नाहीस तर ठार वेडी आहेस. अगं, तुला काय वाटलं हे असं फुकटात आत्महत्या करून तू तुझ्या सगळ्या प्रश्नांपासून तुझी सुटका करून घेशील?
जर तुला असं वाटत असेल ना तर तुझ्या मूर्खपणाचं जेवढं कौतुक करायचं तेवढं कमीच आहे. हे असं फुकटात आत्महत्या करून तू तुझ्या प्रश्नांपासून तुझी सुटका नाही करून घेत आहेस तर आणखीन प्रश्नांना निमंत्रण देत आहेस. काय नाही समजलं? ओके लेट मी शो यू द पिक्चर. हा समज तू तुझ्या घरी पंख्याला लटकून फुकट आत्महत्या केलीस आणि अचानक तुझ्या आईने तुझ्या खोलीचा दरवाजा उघडला आणि मग ते शक्य नाही कारण आजपर्यंत आमच्याकडे जेवढ्या पण केसेस आल्यात त्यात
प्रत्येकाला कसलं ना कसलं तरी प्रेशर होतं, नाही तर कशाची तरी भीती. भीती हो, भीती वाटते ना मला माझ्या आईच्या नजरेशी नजर मिळवायला. म्हणजे आईच्या ओव्हर एक्सपेक्टेशनचा प्रेशर आहे. माझ्या आईने आजपर्यंत माझ्याकडून प्रेमाशिवाय दुसरी कोणतीच अपेक्षा केली नाही. पण याच गोष्टीमुळे मी जास्त हैराण झाले. असं वाटतं की माझ्या आईसाठी काही करूच शकत नाही. आत्महत्या करण्यासाठी ना तुझा हा कारण काय पडण्यासारखं नाही आहे, आणि तुला यामुळे सहानुभूती मिळणार नाहीये. मला नको आहे कोणाची सहानुभूती. मला लोकांना फक्त हेच सिद्ध करून दाखवायचं की आय एम द बिगेस्ट लूजर. काय मिळवलं मी माझ्या आयुष्यामध्ये? मला काय वाटतं आत्महत्या कशा प्रकारे करावी याचं प्लॅनिंग आपण नंतर करूया.
त्या आधीची आत्महत्या एक्साइटिंग आणि लार्जर दॅन लाईफ कशी असेल याचा विचार करूया. अगदी बरोबर बोललास सर. आपण हिची आत्महत्येची जाहिरात करूया. आपण हिच्या आत्महत्येचा लाईव्ह टेलिकास्ट करूया. हिच्या दुःखाचे व्हिडिओ व्हॉट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम वर व्हायरल करूया. परफेक्ट ठरलं ठरलं ठरलं. आजपासून 9 दिवसानंतर तू आत्महत्या करतेस आणि तेही लाईव्ह. सो मिस रुची एन्जॉय युअर लास्ट डेज ऑफ सुसाइड. And you all, let's begin the game of suicide. सगळ्यांनी मला दुसरं लग्न करायला सांगितलं तेव्हा मी तुझा विचार केला, सावरलं स्वतःला, कारण मला तेव्हा तुझा आधार होता. तुला काय वाटलं? तुझे बाबा गेल्यानंतर माझ्या मनात एकदाही आलं नसेल की हे जग सोडून जाऊ ना? आई, पण मी गेल्यानंतर तुझं काय होईल हा विचार केला ग. एकटी बाई या जगाशी नाही लढू शकत, पण एक आई या जगाशी लढू शकते, कारण तिला आई असं म्हणणार कोणतरी असत ग.
या शब्दातच खरी ताकद असते बघ. आणि तेच जर नसेल ना तर ती केवळ एक स्त्री असते. जायचंय तुला मला एकट करत. आपला माणूस आपल्यापासून दूर निघून गेला ना जी उणे वाजते ना कुठल्याही जाणीवपेक्षा मोठी असते ना. या सगळ्याची कल्पना आहे मला आई. बाबा गेल्यावर त्यांच्या फोटो समोर बसून हमसून हमसून रडताना मी तुला पाहत आले ग. मला वाढवताना तुझी ओढणी तळमळ मी बघत आले. काहीही झालं ना तरी तुझ्या डोळ्यात पाणी यायचं. तेव्हा तुझ्या डोळ्यात तू अश्रू नाही ग माझ्यावरची माया व्हायची. किती संकट आली आपल्यावर पण तो त्रास तू एकटीने सहन केला. मला कधीच त्याची झळ पोहोचू दिली नाही. म्हणूनच जेव्हापासून कळायला लागलं ना आई मी एकच ठरवलं होत मोठी होऊन तुला आनंदात ठेवायचं. तुला माझा अभिमान वाटेल असं काहीतरी करून दाखवायचं. पण आईला मुलीकडून फक्त प्रेमाची अपेक्षा असते ग. आणि कोण म्हणत मला तुझा अभिमान नाही म्हणून. तू म्हणत नसशील ग पण लोकांच्या नजरा मला तेच सांगतात. आणि त्यांचंही बरोबरच आहे ना. मी काय केलंय का तुझ्यासाठी. लहानपणीच बाबा आपल्याला सोडून गेले आणि तुझ्या एकटीचा संघर्ष चालू झाला. मला वाढवलंस मोठं केलंस परिस्थिती नसतानाही माझं शिक्षण पूर्ण केलंस आणि मी एकुलती एक मुलगी म्हणून काय केली का तुझ्यासाठी. हा विचार थांबतोय माझ्या मनाला. आई आई आठवते तुला बाबा गेल्यावर आपल्याच नातेवाईकांनी तुला येऊन सांगितलं होत ही तुझी मुलगी आयुष्यात पुढे जाऊन काय करणार आहे त्यापेक्षा हिला वेळीच दूर कर आणि दुसरं लग्न करून मोकळी हो. तेव्हा तू भांडली होतीस का त्यांच्याशी. पण ते चुकीचे नव्हते. खरंच मी तुझ्यासाठी काही करू शकले नाहीये. आई म्हणून तू जिंकलीस ग पण मुलगी म्हणून मी हरले. आणि म्हणूनच मला जगायचा हक्क नाहीये असं वाटत. असं वाटत तू लहानपणीच माझा जीव घेतला असतास तर बरं झालं असतं ग आई. आई मुलीला फक्त जीव लावू शकते तिचा जीव नाही घेऊ शकत. आपली मुलगी आपल्या सोबत आहे ह्यासारखं दुसरं यश नाही ग. माझी मुलगी माझ्या बरोबर आहे यातच खरा माझा आनंद आहे बघ. बघ आजवर मी तुला कधीच थांबवलं नाही आणि इथून पुढेही नाही थांबवणार. जिला मी कधीच एकटं सोडलं नाही ती माझी मुलगी मला कधीच एकटं सोडून जाणार नाही. आई माझा निर्णय झालाय. आणि माझा आई मी बाहेर तुझी वाट पाहते तू येईस तो. आई मला माहित आहे तू येशील. आई आई मी नाही येणार. आई आई माझी वाट नको बघूच. आई सुसाइड नोट लिहायची मॅडम. आता अशी सुसाइड नोट लिहा
जेणेकरून इतरांना सुद्धा आत्महत्यासाठी प्रेरणा मिळेल. चला तर मग सुरुवात करूया. तुमच्या आवडत्या व्यक्तीचं नाव लिहा. प्रिय आई. आई? आई नाही, आई बी कोणी नाही. अशा व्यक्तीचं नाव जी तुला खूप प्रिय आहे. ऑब्विसली आई. माझं माझ्या आईवर खूप प्रेम आहे आणि ते मला कोणालाही सिद्ध करून दाखवायची गरज नाही. नो 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 रुची, लेट्स डू वन थिंग. राईट युअर बॉयफ्रेंड्स नेम ना. शी, त्याचं नावही घेऊ नकोस. तेवढी त्याची लायकीही नाही. अगं कोरोना काळामध्ये जेव्हा माझी नोकरी गेली ना तो मला आता तुझी गरज राहिली नाही असं समजून पळपुट्यासारखा निघून गेलाय तो. ठीक आहे, बॉयफ्रेंडचं पण सोडून दे. पण आई नाही. अगं तिच्या ममतेसाठी प्रेमासाठी तू जगायलाही तयार नाहीस. यावरूनच हे सिद्ध होत आहे की तुझा तुझ्या आईवर प्रेमच नाही. कशाने उगाच आई आई करतेस ना. नाही तसं नाही. आईच. पण आईबद्दल काय लिहि. आपलं दुःख मनात लपवून दुसऱ्यांना सुखी ठेवणारी असते ती आई. डोळ्यातील अश्रू पुसून मायेने जवळ घेणारी असते ती आई. आयुष्यात नेहमी आपल्या कुटुंबासाठी झटणारी असते ती आई. आपल्या मुलांच्या सुखदुःखासाठी सतत धावपळ करणारी असते ती आई. वेळेनुसार आपण बदलल्यावरही न बदलणारी असते ती आई. डोळ्यासमोर आईचा चेहरा आण आणि सांगा भाऊ काय दिसते. प्रेम, माया, विश्वास आणि आपलेपणाची जाणीव. हो, पण आई सोडून गेली तर. हो, जर तुझ्या आधी तुझी आई तुला सोडून गेली तर तुला तिच्यासारखी आई मिळू शकेल. सर 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 सर, काय झालं चंदू. सर, बाहेर जो औरत खड़ी थी ना उसने बिल्डिंग के छत से कूद के आत्महत्या कर ली. व्हाट? पर वो थी कौन? सर वो तो मुझे नहीं पता, मगर गिरते वक्त रुचि रुचि करके चिल्ला रही थी. रुचि आई. हां रुचि. वो कुठे जाऊ शकत नाही. का पण तू आमचा कॉन्ट्रॅक्ट साइन केला आहे. सर असं नका करू. सर मला आई कडे जायचे. सर मला सोड आई कडे जायचे. रुचि रुचि, यू शुड प्राउड ऑफ योर मॉम. आईने आत्महत्या केली आहे त्याच प्रकारे ज्या प्रकारे तू करणार होती. तुला तुझ्या आईच्या नजरेला नजर मिळवायला लाज वाटते ना. सुसाइड म्हणजे काय तुम्हाला खेळ वाटलाय.
किती कमकुवत मनाचे असतात. समोर आलेल्या संकटांना जर सामोरं जाता येत नसेल तर काय फायदा एवढ्या शिक्षणाचा. तुम्ही तर आत्महत्या करून मरून जाता रे. तुमचे आई बाबा कधी विचार केलाय त्यांचा? तुम्ही गेल्यानंतर तुमच्या आठवणी तीळ तीळ मरतात रे. Thank you.
Myself, Nandakishore Koyande, Nideshak of this drama, Sale of Suicide. My role is one of the staff, number one, Mr. Abhijit Alwekar on music, Abhijit Patil, Chai Wala, Sarita Khanvilkar, Ruchiki Mummy, Samruddhi Patil, as a Ruchi, Nutan Tiwari, Karmachari 2, Hemant Nandoskar, Karmachari 3, Preeti, ek nayi ladki jo suicide karne aayi hai, Preeti Bhoir, Paresh Walawalkar, our boss, and on lights effects, Mrityunjay Behra. Dhanyavad sabhi ka. इतने सुकून से और शांति से हमें सहन करने के लिए धन्यवाद.